तो यार भाई ये है OnePlus 6N। इस फोन को मैंने लिया था आप लोगों को इसका गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। ये फोन लॉन्च हुआ था 2018 में और लगभग 4 साल के बाद इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है भाई, ये देखने के लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। सो मैंने इस फोन को परचेस करके आप लोगों को इसका गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाया, साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इस फोन के लिए आपको कितना प्राइस पे करना चाहिए 2022 में और इस फोन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है 2022 में। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया, आप चाहो तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी रहेगा भाई इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करना, बिकॉज देखो भाई इतने पुराना फोन है और पुराने फोन में सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है बैटरी से रिलेटेड। पुराने फोन का जो बैटरी बैकअप होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। वैसे तो मैं हर फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं करता, लेकिन जो फोन ज्यादा पुराना होता है उसका बैटरी ड्रेन टेस्ट मैं जरूर से करता हूँ, बिकॉज पुराने फोन में सबसे ज्यादा आपको बैटरी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी वजह से पुराने फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट का वीडियो मैं जरूर से लाता हूँ। तो ज्यादा बकचोदी ना करके वीडियो को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले भाई चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपको पता ही है भाई ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है और कहां से भाई ऐसे फोन को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी क्या करते हैं हमारे वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इस फोन का आपको चार्ज दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो फोन का जो चार्ज है वो 99% है, मतलब 1% चार्ज चला गया और ब्राइटनेस हम यहां पे रखेंगे 70 के आसपास और मोबाइल के नेटवर्क से खेलेंगे। तो यहां पे हमने BGMI को ओपन कर दिया और BGMI ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं बिकॉज वीडियो को जल्दी खत्म करना चाहता हूं, बस आप लोगों को बोरिंग फील ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो गेम है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं हेडफोन को लगा लेता हूँ ताकि मेरे को खेलने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने हेडफोन को भी सेट कर दिया और यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, सबसे पहले 98, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओपन होते टाइम हमारा और 1% चला गया। तो 98 में कितने घंटे का बैकअप मिलता है ये देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया और देखो भाई आज की वीडियो में हम TDM कुछ नहीं खेलेंगे, बिकॉज भाई देखो TDM खेलने से वीडियो हो जाते हैं लंबा, ठीक है। वैसे तो मैं कोई भी फोन का बैटरी ड्रेन टेस्ट करता हूँ तो भाई उस फोन पे आपको जरूर से एक TDM खेल के बताता कि एक TDM पे हमारा कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है। बट आज की वीडियो में हम ये नहीं करने वाले बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लंबा हो जाता है। तो इसी वजह से TDM नहीं खेल के बताऊंगा आपको, सीधा आधे घंटे में आपको दिखाऊंगा कि आधे घंटे में कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है, ठीक है। तो सीधा मिलते हैं आधे घंटे बाद, आधे घंटे गेमिंग करने के बाद हम दिखाता हूं कि इस पे आधे घंटे गेमिंग करने के बाद कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है, ठीक है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो भाई नॉनस्टॉप आधा घंटा इस फोन पे गेमिंग करने के बाद इस फोन ने जो बैटरी परसेंटेज ड्रॉप किया वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो 78%, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा था 98% हुई, यहाँ पे 78 मतलब 20%। तो 21 मिनट में हमारा बैटरी ड्रॉप किया 20%। तो अभी क्या करता हूँ सीधा 1 घंटे बाद मिलते हैं और दिखाता हूँ कि आपको 1 घंटा नॉनस्टॉप गेमिंग करने के बाद हमारा OnePlus 6 कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है। तो मिलते हैं सीधा 1 घंटे के बाद। तो भाई नॉनस्टॉप 1 घंटा गेमिंग करने के बाद इस फोन ने जो बैटरी परसेंटेज ड्रॉप किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 57%, ठीक है, 57% रह गया इसका बैटरी परसेंटेज। तो इसका मतलब है कितना, 41% ड्रॉप किया 1 घंटे में। तो 1 घंटा भाई, और इसका हीटिंग की बात करें तो भाई डिवाइस काफी हीट हो चुका है भाई, मतलब 45 डिग्री के आसपास। वैसे तो देखो भाई गेमिंग में हर डिवाइस भाई पीछे से हीट होता है, लेकिन ये डिवाइस भाई आगे से भी बहुत ही ज्यादा हीट है। इसका मतलब इस फोन का जो डिस्प्ले है वो डुप्लीकेट है, इसी वजह से भाई फोन के ऊपर ज्यादा लोड जा रहा है, इसी वजह से फोन ज्यादा हीट हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं सीधा 2 घंटे बाद मिलते हैं और 2 घंटे में हमारा कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है ये फोन वो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा 2 घंटे के बाद। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार 2 घंटे गेमिंग करने के बाद इस फोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना भाई, एक सेकेंड, 85%। मतलब भाई 2 घंटे 2 मिनट इस फोन पे लगातार गेमिंग करने के बाद इस फोन का जो बैटरी ड्रॉप है वो है 85%, ठीक है। अगर ओरिजिनल डिस्प्ले होता तो हो सकता कि अभी हमारा जो चार्ज बचता वो है 25% या फिर 30%, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये देख लेते कि ये 13% हमें कितने मिनट का बैकअप निकाल के दे सकता है। तो अभी ये देख लेते, तो क्या करते हैं सीधा फोन स्विच ऑफ होने से पहले मिलते हैं।
तो भाई 2 घंटा 17 मिनट इस फोन पे लगातार गेमिंग करने के बाद हमारा जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पे कहाँ पे आप रुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1%, मतलब फोन कभी भी ऑफ हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको दिखाना जरूरी समझा, तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी देख लेते कि 1 या 2 मिनट कितना टाइम तक सर्वाइव करता है। मैं कट नहीं करूंगा, जितना टाइम तक फोन सर्वाइव करेगा उतना टाइम तक मैं रिकॉर्डिंग चालू रखूंगा, ठीक है। तो देख लेते कि फोन स्विच ऑफ कब होता है। फोन का भाई ऊपर का साइड बहुत ही ज्यादा हीट हो चुका है, 46 डिग्री या फिर 47 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फोन है वो स्विच ऑफ हो चुका है। और टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटा 17 मिनट, 2 आवर्स 17 मिनट। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इस फोन पे 2 घंटा 17 मिनट गेमिंग करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करने के बाद हमारा जो बैटरी परसेंटेज है वो 98% खत्म हो गया। अगर फुल चार्ज रहता तो हो सकता है कि 2 घंटा 20 मिनट का बैकअप मिलता। और अगर इस फोन का डिस्प्ले ओरिजिनल होता तो हमें हो सकता है कि 2 घंटा 40 मिनट या फिर 2 घंटा 35 मिनट का बैकअप मिलता। बट डिस्प्ले डुप्लीकेट है और ऊपर से भाई फोन काफी ज्यादा हीट हो चुका था, इसी वजह से फोन ने बैटरी कंज्यूमिंग और मतलब तेजी से किया। देखो सेकंड हैंड फोन का जो बैटरी का बैकअप होगा वो सब में एक जैसा नहीं होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। सब में एक जैसा बैकअप आपको नहीं मिलेगा, किसी किसी में आपको आधा घंटा ज्यादा मिल सकता है, किसी किसी में आपको आधा घंटा कम बैकअप मिल सकता है। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो आपको एक आइडिया देना होता है कि देखो भाई OnePlus 6 अगर आप परचेस करोगे तो आपको कितने घंटे का बैकअप मिल सकता है। इसको समझने के लिए मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, इस फोन का बैटरी का कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। इस फोन का जो बैटरी है ना भाई, वो फोन के हिसाब से काफी अच्छा कंडीशन है इस फोन का बैटरी का कंडीशन। तो आप जो फोन लोगे उस फोन का बैटरी का कंडीशन इसके जैसा रहेगा और फोन का जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल रहेगा, तो भाई आपको मतलब बहुत ही अच्छा बैकअप मिलेगा। 2 घंटे 30 मिनट या फिर 2 घंटे 40 मिनट का बैकअप आपको मिल सकता है और ऊपर से फोन का परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे सीन क्या होता है कि हर फोन का जो बैटरी का कंडीशन होता है वो सेम जैसा नहीं रहता, लेकिन कम से कम भाई आपको 2 घंटे का बैकअप तो मिल ही जाएगा OnePlus 6 के साथ, ठीक है, नॉन स्टॉप गेमिंग करते हो। तो आई होप भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो मैंने आपको दिखाना था वो मैंने आपको दिखा दिया। और सेकंड हैंड फोन भाई कैसे चेक करके लेनी होती है इसके ऊपर भाई मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी यार मैंने तो चाहा था कि ये वीडियो 6 मिनट के अंदर खत्म कर दूं, अगर 6 मिनट के ऊपर का होता है तो भाई मेरे को माफ कर देना। आगे मैं कोशिश करूंगा ऐसी वीडियोस को 5 से 6 मिनट के अंदर खत्म करने की। तो मैं मिलता हूं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।